नमस्कार, हम कक्षा छठी के विद्यार्थी आपके सामने सर्वनाम का विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सो रहा है, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का किसी पास या दूर की निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी पास या दूर की अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले किसी दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, इस वाक्य में जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता अपने या स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह खुद आया था, इस वाक्य में खुद निजवाचक सर्वनाम है।